जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि YouTube हम लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा अपडेट लेकर आ रहा है जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, फिर चाहे बड़ा क्रिएटर हो या फिर छोटा क्रिएटर हो, हर किसी के लिए कोई ना कोई अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से उसका चैनल ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब अगर हम बात करें जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर कम्युनिटी पोस्ट, तो कम्युनिटी पोस्ट का भी फीचर काफ़ी साल पहले आया था जिसके जरिए से यूट्यूब पर क्रिएटर्स ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। कैसे ग्रो किया? उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि इमेज पोस्ट करना, वीडियो को शेयर करना, क्विज बनाना, पोल बनाना या फिर टेक्स्ट लिखना, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि क्रिएटर्स का एंगेज बढ़ता था, इंप्रेशन बढ़ता था और यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता था। अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में फीचर आया था यूट्यूब शॉर्ट का, यूट्यूब शॉर्ट के जरिए भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते थे, अपनी क्विक अपडेट वहाँ पर दे सकते थे। अब अगर बात करें यूट्यूब शॉर्ट से भी पहले एक फीचर आया था दोस्तों यूट्यूब स्टोरी का। जी हाँ, यूट्यूब स्टोरी, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हो या फिर फेसबुक पर स्टोरी लगाते हो, सेम वैसा ही यूट्यूब का भी आपको एक स्टोरी फीचर देखने को मिलता था। काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स के पास ये फीचर था, छोटे क्रिएटर्स के पास नहीं था। जिन लोगों के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा था उन्हीं के पास ये फीचर था, लेकिन दोस्तों हर एक बंदे, हर एक क्रिएटर का ये सपना था कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर हमारे ऊपर आ जाए, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो चाहे फिर छोटा क्रिएटर हो। लेकिन अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका सपना टूट गया। अगर आप चाहते थे कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर हमारे चैनल पर भी आए, तो अब ये सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया, क्योंकि यह फीचर YouTube फाइनली 26 जून 2023 को बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है? YouTube का यह फैसला क्यों हो रहा है? अगर हम बात करें YouTube ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग यह हो सकता है कि देखिए YouTube शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट पर अगर हम बात करें, वीडियो शेयर भी कर सकते थे, हम अपनी क्विक अपडेट भी दे सकते थे शॉर्ट के जरिए और कम्युनिटी पोस्ट के जरिए भी, लेकिन जब से यूट्यूब स्टोरी का फीचर आ गया था, क्रिएटर्स क्या करते थे, अगर उनके कोई क्विक अपडेट्स होते थे तो वो स्टोरी लगा कर दे देते थे, अपनी वीडियो को स्टोरी पर शेयर करते थे, जिससे क्या होता था कम्युनिटी पोस्ट लोगों ने करना बिल्कुल बंद कर दिया था, शॉर्ट्स भी बहुत ही कम हो रहे थे उन लोगों के जिनके पास स्टोरी का फीचर आ गया था। इसीलिए यूट्यूब ने फैसला लिया है कि यूट्यूब शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट को ग्रो कराने के लिए, इसका यूज़ ज़्यादा कराने के लिए वो यूट्यूब स्टोरी का फीचर बंद करें, क्योंकि यूट्यूब के नज़र में ये फीचर कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था उनके लिए। लेकिन अगर बात करें क्रिएटर्स की, तो यूट्यूब स्टोरी के जरिए से वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रही थी, लोग स्टोरी के जरिए लाखों मिलियंस में व्यूज़ पा रहे थे, क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ये फीचर था। फिलहाल के लिए जो छोटे क्रिएटर्स हैं जिनका ये सपना था उनका सपना बन के रह गया, और बड़े क्रिएटर्स के पास जिनके पास स्टोरी का फीचर था उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कोई भी नहीं चाहता है कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर बंद हो जाए। दोस्तों अगर आपका भी सपना था कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आपके पास ये फीचर था, आप नहीं चाहते हो कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर ऑफ हो जाए, तो कमेंट में सभी लोग बताइए कि यूट्यूब स्टोरी का फीचर बंद होना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये यूट्यूब का फैसला गलत है? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए जिससे YouTube अपना YouTube स्टोरी का फीचर सेट ना करे, क्योंकि इससे हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।